क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। इसकी भी हमें पहले फैक्टराइजेशन करके देखनी है कि लीनियर फैक्टर्स आते हैं कि नहीं। तो 3x2, दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3x2 आए, और प्लस या माइनस करें तो 2 आए। इसके फैक्टर्स 3 और 1 ही बनेंगे। आप 2x की जगह पे 3x माइनस x लिखेंगे, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x2 आता है। इसको आप मजीद सॉल्व कर लें, इसके पेयर्स बना लें, जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है उनमें से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा, और यहाँ से हम माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 रह जाएगा। इस तरीके से जो इसके पेयर्स बन जाएंगे वो एक x माइनस 1 और x प्लस 3 बन जाएंगे। तो अब ये देखें, जिस तरह हमने 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये सेम उस टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, x माइनस 5 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। अब इसको अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो a ओवर x माइनस 1, एक लीनियर फैक्टर a के नीचे लिख देंगे और एक लीनियर फैक्टर b के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये इनकी तरतीब चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी मर्जी होती है कि हम जो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं उनको पहले लिखते हैं और जो बाहर कॉमन निकाल रहे हैं उनको बाद में लिखते हैं। तो इस वजह से ये a और b के नीचे आपकी चेंजिंग आ सकती है। अब हम x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल a इंटू x प्लस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू जीरो रखेंगे, x प्लस 3 को भी इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 को भी इक्वल टू जीरो। इस तरीके से एक x की वैल्यू माइनस 3 और एक x की वैल्यू 1 फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये इक्वेशन जो 2 है इसको हम दोबारा लिखेंगे और इसके अंदर x की जगह पे माइनस 3 पुट करेंगे, x की जगह माइनस 3 लिखते हैं, a की टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी और ये माइनस 8 इक्वल आ जाएगा माइनस 4 b के, और b इक्वल आ जाएगा माइनस 8 ओवर माइनस 4, 4 टू 8 और माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस तरह b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हम x की जगह पे 1 पुट करना चाहते हैं तो हम अगेन इक्वेशन 2 लिखेंगे, 1 माइनस 5 a इंटू 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 1 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 4 a के, और ये सारा 0 हो जाएगा, a आ जाएगा माइनस 4 बाय 4 यानी माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट हो गई हैं, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x प्लस 3 हमें फाइंड आउट हो जाएगा।